आजादी के इस 75वें वर्षगांठ पर इस तरीके से भारत सरकार द्वारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चलाया गया है, उसमें बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लीजिए, अपने घर पर, अपने कानों पे, अपने गोडाउन में तिरंगा फहराइए और एकता का पूरे विश्व में एक मैसेज देने का काम भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। बचर कर सहयोग करिए और कोविड गाइडलाइन का पालन करिए। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं विजेंद्र मोगा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सुसावा, आप सभी नगर व क्षेत्र वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पूरे देश के अंदर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के अवसर पर 12 से 15 अगस्त तक सभी नगर क्षेत्रवासियों का अनुरोध है, अपने घर पर तिरंगा जरूर लहराएं। जय हिंद, जय भारत। मैं राकेश गांधी, प्रतिनिधि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एटा, एटा जनपद वासियों को जन्माष्टमी की, रक्षाबंधन की और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी के खुश रहने की, मस्त रहने की मंगल कामना करता हूं, स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता हूं। और साथ ही मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है, इसके अवसर पर हम लोग तिरंगा झंडा अपने घरों पर अवश्य लगाएँ। अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम, जिलाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, मिर्जापुर। आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें पर्व पर आज हम अपने देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया यह हर घर तिरंगा अभियान है, इसको आप लोग सफल बनावें और इसमें अधिक से अधिक संख्या में सब लोग अपने अपने घर में तिरंगा लगावें। जय मां विंध्यवासिनी, भारत माता की जय। मोहम्मद नूर आलम अंसारी, ग्राम सभा बैकुंठपुर कोठी, जिला कुशीनगर। 15 अगस्त के अवसर पे ग्रामवासियों और देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। मैं सोनू जायसवाल, ग्राम प्रधान पत्नी नगावाश्रय दुबे, आप सभी ग्रामवासियों का 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अजय कुमार यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जंगल सिसवा, मैं अपने तरफ से संपूर्ण ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। भदोही से नगर जनपद प्रत्याशी हूं, जो कि 15 अगस्त रक्षाबंधन की मैं हार्दिक शुभकामनाएं अपने गोपीगंज नगरवासियों को मैं देता हूं। और आज हमारा देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया है, मैं सभी अपने गोपीगंज के नगर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। मैं नीरज चौधरी, ग्राम प्रधान मेवतपुर। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी, आपके टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों को एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आग्रह करता हूं कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाएं। सिद्दीकी स्क्रिप्ट ट्रेडर्स की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं समस्त जनपद वासियों को निवेदन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत। मैं पहलवान सिंह राजपूत, ग्राम बिजरोठा, प्रधान प्रतिनिधि ब्लॉक तालबेट, जिला ललितपुर की ओर से सभी
जिला वासियों को व प्रदेश वासियों को व ग्राम वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान मुठिया माथी विकास खंड दुदही जनपद कुशीनगर, प्रधान संघ अध्यक्ष विकास खंड दुदही, अपने सभी ब्लॉक के सम्मानित जनता को और ग्रामवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर सबको बधाई देना चाहता हूँ और सबको शुभकामनाएँ दे रहा हूँ।